हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, प्रयागराज के रहने वाले लेकिन मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी और वो एक इंटीरियर डिजाइनर भी थे। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ ने घर घर में अपनी अलग पहचान बनाई थी। घर में सबसे छोटे होने की वजह से सिद्धार्थ सभी के लाडले रहे। बिग बॉस में जाने के बाद उनकी बड़ी बहन ने एक इंटरव्यू में कहा था, सिद्धार्थ हमेशा ही 3 लोगों के पहरे में रहे हैं। उनकी 2 बड़ी बहनें और माँ की नज़र हमेशा उन पर रही है और वो भी उन तीनों को बहुत सम्मान देते थे। तो वहीं सिद्धार्थ के पिता सिविल इंजीनियर थे। नंबर 2, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल फोर्ट से की थी। वैसे तो सिद्धार्थ को शुरू से ही एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स का काफी शौक था। वो अपने स्कूली दिनों में टेनिस और फुटबॉल में माहिर थे। नंबर 3, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले सिद्धार्थ बजरंग बली के भी परम भक्त थे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भगवान हनुमान पर आधारित एक शो को प्रमोट करते हुए अपने जीवन में हनुमान जी के महत्व के बारे में बात करते हुए नजर आए थे। नंबर 4, सिद्धार्थ शुक्ला कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। वो हमेशा से अपना बिजनेस या फिर कोई जॉब करना चाहते थे। लेकिन साल 2007 में सिद्धार्थ ने एक मॉडलिंग कंपटीशन जीता, जिसके बाद उन्हें साल 2008 में टर्की में हुए सबसे बड़े मॉडलिंग शो में भेजा और वहां भी सिद्धार्थ ने भारत का नाम रोशन किया और शो जीता। नंबर 5, सिद्धार्थ शुक्ला पर रिहैब सेंटर जाने को लेकर भी कई बातें सामने आई हैं। खबरें हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी नशा करने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता था और वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और अपनी नशे की लत को छोड़ने के लिए सिद्धार्थ करीबन 2 साल तक रिहैब सेंटर में रहे थे। हालांकि इन बातों का खंडन उनके फिटनेस ट्रेनर सोनू चौरसिया ने किया है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा, ये सारी बकवास खबरें हैं। मैं सिद्धार्थ को काफ़ी टाइम से जानता था। मैंने उन्हें कभी भी ड्रग्स लेते नहीं देखा। हाँ, कभी कभी वो पार्टी में थोड़ा ड्रिंक लेते थे, लेकिन उन्हें शराब की लत नहीं थी और ना ही उन्हें रोज इसकी आदत थी। नंबर 6, बिग बॉस 13 रियलिटी शो के विनर बनने के बाद से ही सिद्धार्थ शुक्ला की झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे। भुला दूंगा, शोना शोना और दिल को करार आया गाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला हाल ही में ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 सीरीज का हिस्सा थे। सिद्धार्थ के सभी प्रोजेक्ट्स हिट हो रहे थे, जिसके बाद उनकी कई बड़ी अपकमिंग फिल्में, सीरीज और शोज को लेकर चर्चा जारी थी। हालांकि सिद्धार्थ के निधन के बाद अब उनके कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए हैं। नंबर 7, पिछले कई महीनों से खबरें थी कि सिद्धार्थ ओम राउत की पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष में भी नजर आएंगे, जिसमें प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान लीड रोल में हैं। शुरुआत में सिद्धार्थ ने खुद इन खबरों को अफवाह बताया था, हालांकि लगातार खबरें यही थी कि वो इस फिल्म का हिस्सा थे। नंबर 8, सिद्धार्थ बचपन से ही ब्रह्म कुमारी सेंटर आया करते थे और इस बारे में विले पार्ले सेंटर ने भी कहा कि सिद्धार्थ बचपन से ही अपनी माँ रीता के साथ ब्रह्म कुमारी सेंटर आया करते थे और संस्था के कार्यक्रम में दिलचस्पी रखते थे। वो मेडिटेशन भी करते थे। ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से भी सिद्धार्थ के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया गया है। नंबर 9, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का शुक्रवार को 3:30 बजे ओशिवारा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाजों के मुताबिक किया गया है। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की यादें भी ताज़ा हो गईं। दरअसल सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर भी बारिश हो रही थी और सुशांत के वक्त पर भी ऐसा ही हुआ था। सुशांत के वक्त भी बहनें शमशान तक आई थीं और सिद्धार्थ की माँ और बहनें भी उन्हें आखिरी विदाई देने शमशान घाट पहुँची। एंड नंबर 10, सिद्धार्थ शुक्ला अब जहां नया घर बनवा रहे थे वहां वो बकायदा एक विशाल मेडिटेशन रूम बनवा रहे थे। मुंबई के विले पार्ले सेंटर की ब्रह्मा कुमारी तपस्वी बहन ने हाल ही में इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने कहा, वो 19 अगस्त को राखी पर आए थे, रक्षा सूत्र बांध कर गए थे। हमारी हर्षा बहन ने उन्हें मेडिटेशन का कोर्स करवाया। वो माउंट आबू के मेन सेंटर भी गए, भगवान शिव की खूब आराधना करते थे। 3 दिन पहले जन्माष्टमी पर भी हम सबको विश किया था। अब जहां वो नया मकान बना रहे थे वहां एक मेडिटेशन रूम भी बनवा रहे थे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।